गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेरिटेज पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी ने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? कैरी ऑन द पेट इन पेज नंबर 2। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2। आज हम पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इन वर्ड्स। सो हाउ वी राइट इन वर्ड्स, हम कैसे लिखेंगे वर्ड? आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें नंबर लिखा हुआ है आपके पास। नंबर क्या लिखा हुआ है? 60। नंबर लिखा है 60। सो हाउ वी राइट नंबर 60 इन वर्ड्स, वर्ड्स में कैसे लिखें? देखते हैं। 60 जैसे हम रीड करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हम ये क्या हो गया आपका? आफ्टर दैट 70 लिखना है आपको। ऐसे ही सब लिखना है जैसे हम पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। 60 मीन्स उसके बाद 70 पढ़ा है तो 70 ही लिखा है। 7 after that 53 C question is 80 and question number D क्वेश्चन नंबर डी फिफ्टी FIFTY 50 एंड नेक्स्ट 66 तो हमें क्या लिखना होगा सबसे पहले 60 आफ्टर दैट नेक्स्ट F 73 फर्स्ट 70 PHRDE नेक्स्ट G 78 सो वी राइट 78 नेक्स्ट H 69 first 16 and then 9 I 34 after J 9090 See question number 4 in your book.
and write down on your books. Fill the book. 19. After that, 1. One, 0, 0 means 100. So we write 100. Right? 100. So this is your fourth question in which we write numbers in words. So all of you, fill your books. Do question number 4 properly. After this question, इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे कि नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है. कोई आपको नंबर दिया गया है ऑलरेडी, आप उसको नंबर के पहले का नंबर पूछ सकते हैं, उसके बाद का पूछ सकते हैं. मतलब एक नंबर आपको दिया जाएगा, फिर से पूछा जाएगा व्हाट कम्स आफ्टर दैट नंबर एंड व्हाट कम्स बिफोर दैट नंबर. सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर्स दैट कम आफ्टर गिवन नंबर एंड दैट कम आफ्टर बिफोर गिवन नंबर. राइट प्रॉपरली. एंड आफ्टर दैट पेज नंबर 5, पेज नंबर 3, सॉरी पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5. Write what comes after, before and write what comes before and after. See your books. What is question number 5? What comes before and after? So, see A. See that question. See question A. Number between 9. What comes after 9? 10. And what comes before 9? 8. So we have to write 8. 9 is given number. What comes after and before? Write what comes before and after. So question number 1 is 9 number is given. This is very easy. So what comes before 9? 9 ke pehle kya aata hai? 8. We have to write 8. After 9? 10. 9 ke baad kya aata hai? 10 aata hai. Next B. Number given is 7. What comes before 7 and what comes after 7? 6 comes before 7 and 8 comes after 10. See? What comes before 14 and what comes after 14? So, 13 comes before 14 and 15 comes after 14. 14 ke pehle 13 aata hai, 14 ke baad 15 aata hai. After that, the number given is 19. What comes after 19 and what comes before 19? 19 ke pehle kya aayega? 19 ke baad kya aayega? So, before 19, 18. After 19,
After that, if 34, what comes before 34? What comes after 34? 34 के पहले क्या आएगा? 34 के बाद क्या आएगा? So 33 is comes before 34 and 35 comes after 34. F. F. The number given is 22. So what comes before 22 and what comes after 22? 22 के पहले कौन सा नंबर आएगा एंड 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 22 के पहले 21, 22 के बाद 23. So this is your question number 5 and remaining questions are you by yourself. मैंने आपको A से F तक questions करा दिए, question number 5 के A to F part करा दिया है. बाकी के पार्ट्स आपको घर पर करना है, अपनी बुक्स को फिल करना. सो योर होमवर्क इज टू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3, टू क्वेश्चन नंबर 5 by yourself. Okay guys, see you tomorrow. Thank you so much.